डियर स्टूडेंट्स एंड मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। मुझे फीडबैक मिली है कि सर आपने कंपनसेशन एंड बेनिफिट पे अपना लेक्चर रिकॉर्ड कराया है, और कुछ लोगों ने कहा है कि सर हमें डिफरेंस बताएं कि वर्कर के हवाले से कैसे कंपनसेशन सेट करते हैं और किसी भी स्टाफ की सैलरी को कैसे हम बनाते हैं, या इसमें फ़र्क क्या है। तो एक्चुअली इसके लिए मुझे इंडस्ट्रियल रिलेशन के लेक्चर पे जाना पड़ेगा, तो मैं एक छोटा सा एक आपको डिफरेंस जो है वो रिकॉर्ड करवा देता हूँ ताकि आप लोग इसमें मेन डिफरेंस समझ सकें। सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो किस्म के एम्प्लॉइज होते हैं। अब आप कहेंगे कि सर हमने तो पढ़ा है कि वर्कर जो है वो डेली वेजर भी होता है, टेम्परेरी भी होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल भी होता है, और बेशुमार और टाइप्स हैं, तो आप ये दो क्यों कह रहे हैं। याद रखें मैं वर्कर नहीं कह रहा, मैं आपको एम्प्लॉइज में कह रहा हूं कि डिफरेंस समझे। अच्छा, तो वो कौन कौन से हैं। याद रखें किसी भी कंपनी में दो किस्म के एम्प्लॉइज होते हैं, वर्कर्स स्टाफ। फिर मैं बताता हूं, वर्कर्स और स्टाफ। अब ये कहने का मकसद है कि सर इसमें फर्क क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स और काफी लोग वो जो कि एचआर की फील्ड में एंटर हो रहे हैं, उन सबको मैं एक दफा फिर बताऊंगा। याद रखें वो लोग जिन पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लेबर लॉ एप्लीकेबल होते हैं, जितने भी लेबर लॉ हैं वो उनसे रिलेटेड लोगों को हम वर्कर कहेंगे, और वो लोग जिन पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के शायद 100% जो लॉज हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते उनको हम एम्प्लॉइज कहेंगे। लेकिन ये चीज मैं अक्सर लेक्चर्स में बताता हूं, फिर भी लोग कहते हैं सर जी कोई आसान तरीका बताएं। तो आसान तरीका भी आपके लिए है कि कुछ लोग हैं जिनको हम कहते हैं एग्जेक्टिव क्लास, या एम्प्लॉइज जो पढ़े लिखे होते हैं। माशाल्लाह आपने एमबीए किया, आपने बीबीए किया, आप एमफिल करके जब कंपनी में जाते हैं तो मोस्टली लोग अच्छी पोजीशंस पे होते हैं और उनको जो है वो जो पाकिस्तान के लेबर लॉ 100% है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। उनके पास अथॉरिटीज होंगी, उनके पास साइनिंग अप्रूवल्स होंगी, तो ये सब चीजें उनको बनाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आपको पता है कि वो एक वेजेस होते हैं जिसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है वेजेस, वो सिलेक्ट करती है, दोज आर कॉल्ड वर्कर। अब आपको याद होना चाहिए वर्कर तीन किस्म के आए जब हम वेजेस की बात करते हैं, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। ये लोग हैं जिनके लिए वेजेस होते हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में मिनिमम वेजेस के बोर्ड बने हुए हैं। मैं पंजाब में मिनिमम वेज बोर्ड का मेंबर रह चुका हूं, जिसमें के वो लोग असेस करते हैं कि किसी भी वर्कर की क्या जरूरियात हैं और आज के माशरे में उनको क्या मिनिमम वेज चाहिए होंगे। फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है एक ऑर्डर करती है जिसको मिनिमम वेज बोर्ड कहते हैं और वो अनाउंस होता है। ये भी आप सब लोग जानते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान में एप्लीकेबल है वो मिनिमम वेज जो है 25,000 रुपीज जो है एप्लीकेबल है। लेकिन काफ़ी मेरे दोस्त या स्टूडेंट्स, जैसा कि मेरे बेशुमार आइए ये आप कह लें व्हाट्सएप पे ग्रुप हैं या लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, वो कहते हैं सर कि अब मिनिमम वेज 32,000 हो गई है तो हमें वो नोटिस भेजें। नहीं, अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं की। जब तक मैं ये लेक्चर आपको डिलीवर कर रहा हूँ तब तक मैंने कोई नहीं देखा। मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ पहले, और वैसे भी पाकिस्तान में भी नहीं हुए। याद रखें कि जब मिनिमम वेज बनता है तो उसकी सबसे पहले प्रपोजल जाती है। प्रपोजल को कुछ अरसे बाद, नॉर्मली
2 to 4 weeks कम से कम होते हैं जिसके बाद अप्रूवल होती है और वो फिर एप्लीकेबल होता है। तो अगर कुछ लोग कह रहे हैं सर वो हमने एक देखा था सर्कुलर निकला हुआ है 32,000 का, तो याद रखें वो प्रपोजल है, वो अभी अप्रूव नहीं हुआ। जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिमम वेज बोर्ड उसको अप्रूव करेगा तो वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आई एम श्योर कि आपको पता लगा कि जो वर्कर कैटेगरी या वो लोग जिन पे 100% लेबर लॉ एप्लीकेबल होते हैं, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड और फुल स्किल्ड जो लेबर है उसको जो है हम ये कहते हैं कि वेजेस है, और जो पढ़े लिखे लोग हैं उन पे लेबर लॉ 100% नहीं आते हैं उसको हम स्टाफ कहते हैं। अच्छा, अब एक और बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन एक साहब ने मुझसे किया है कि सर मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, मुझे क्या पता लगेगा कि किस वर्कर को मैंने क्या तनख्वाह देनी है? मिनिमम वेज तो मेरे पास है 25,000 रुपये। ओके, एक और आए साहब, उन्होंने कहा सर मैं टेक्सटाइल में तो नहीं हूँ, मैं लेदर में हूँ इंडस्ट्री में, तो मेरे पास तो मैन पावर बिल्कुल डिफरेंट है। इस तरह मुख्तलिफ मेरे स्टूडेंट्स जो काम कर रहे हैं तो वो कहते हैं सर मिनिमम वेज तो पता है लेकिन मेरे पास सेमी स्किल भी है, अनस्किल भी है और फुल स्किल के लोग हैं, उनकी सैलरी हम कैसे सेट करें? तो मैं अपने स्टूडेंट्स को और प्रोफेशनल्स को बताना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू, याद रखें कि लेबर डिपार्टमेंट किसी भी इंडस्ट्री में जब डील करता है और जब ये मिनिमम वेज फाइनलाइज होती है तो वो उस इंडस्ट्री की तमाम सैलरी ब्रैकेट्स को डिफाइन करता है कि सेमी स्किल्ड, फुल स्किल्ड, अनस्किल्ड, उनकी अपर लोअर लिमिट्स क्या होगी। तो इसका बड़ा आसान तरीका है, आपने सबसे पहले बात करनी है कि आप किस इंडस्ट्री से हैं और आपने लेबर डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करना है और उन्हें कहना है कि सर मैं इस इंडस्ट्री में काम करता हूँ, मुझे पूरी लिस्ट दे दीजिए। तो वो आपको लिस्ट दे देंगे, आपको बड़ी आसानी होगी कि मैंने किन किन लोगों को क्या क्या सैलरी देनी है। उसके अलावा वो प्रोफेशनल्स जो आईआर में ऑलरेडी काम करते हैं वो देखते होंगे कि जब मिनिमम वेज बोर्ड की लिस्ट अनाउंस होके आती है तो वो 2 या 4 या 5 पेजेस नहीं होते, 60-70 पेजेस होते हैं। तो ये इतने पेजेस कैसे होते हैं कि हर इंडस्ट्री रिलेटेड की वो तमाम डिटेल्स आपको गिवन होती हैं। तो आई एम श्योर ये आपको क्लियर होगा। और इस लेक्चर में मैंने आपको इसी तरह, अगर आप एग्जेक्टिव्स या स्टाफ पे जाएंगे तो उनकी सैलरी भी होती है, बेसिक सैलरी है, हाउस रेंट अलाउंस है, अदर है, ये सब चीज़ें रख के तो वो उसको फाइनलाइज करते हैं। आई एम श्योर आपको फ़र्क समझ आ गया है कि वेजेस क्या होती हैं और सैलरी क्या होती है, एग्जेक्टिव स्टाफ कौन होता है और लेबर क्लास क्या होती है। थैंक यू वेरी मच।